प्रभात छात्र मित्रों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी लोकवाणी 10वीं कक्षा का सफर का साथी और सिरदर्द। यह राम नारायण उपाध्याय द्वारा लिखित एक सुंदर हास्य व्यंग्यात्मक निबंध, जिसमें लेखक ने बड़े ही सुंदर तरीके से हास्य व्यंगाकार रेल यात्रा में मार मांग कर अखबार पढ़ने वाले, अनावश्यक बातें करने वाले, बिना मांगे सलाह देने वालों से किस तरह बचकर अपना सफर तय करना चाहिए, यह संदेश दिया है। इसके बारे में जानकारी दी है। लेखक को अकेले सफर करना पसंद है, तो आइए हम भी उनके साथ सफर पर चलते हैं, लेकिन उन्हें बिना किसी तकलीफ दिए। तो चलते हैं, देखते हैं सफर का साथी और सिरदर्द। पहले थोड़ा लेखक का परिचय करवा लेते हैं। राम नारायण उपाध्याय, जिनका जन्म 1918 में खंडवा में हुआ है, जिनकी बख्शीशनामा, धुंधले कांच की दीवार, नाक का सवाल, मुस्कराती फाइलें, मुर्गे के छौने, हम तो बाबुल तेरे बाग की चिड़िया, जिन्हें भूल न सका, आदि कुछ प्रमुख उनकी कृतियां हैं। प्रस्तुत पाठ में मैंने तो आपको बताया है कि प्रस्तुत पाठ में लेखक ने मांगकर अखबार पढ़ने वालों, अनावश्यक बातें करने वाले, बिन मांगे सलाह देने वालों पर करारा व्यंग किया है। लेखक का तात्पर्य है कि हमें इन बुराइयों से बचना चाहिए। उन्हें सतर्क किया हमें कि ऐसी जो बुराइयां हैं, ऐसे जो लोग हैं, उससे बचकर रहना चाहिए, उनसे परे रहना चाहिए। तो देखिए, मुझे अकेले यात्रा करने में आनंद आता है। लेखक कहते हैं कि मुझे अकेले यात्रा करने में आनंद आता है, कोई साथी ना हो तो चलता, मैं और साथ में पर्यावरण की सुंदरता, ये देखते हुए, उसको निहारते हुए मैं सफर करना चाहता हूँ। इससे चलती रेल में से पैरों के नीचे से निकल जाने वाली नदी में कल्पना में डुबकी लगाना, जैसे जिस तरह हम नदी के बीच, जब बहती नदी रहती है उसके अंदर अगर कोई पत्थर हो बड़ा सा, उस पर जब हम खड़े रहते हैं और उस नदी के पानी की तरफ देखते हैं, तो ऐसा लगता है मानो वो पत्थर, नदी तो जगह पे है लेकिन वो पत्थर जो है वो तैरता हुआ आगे जा रहा है और हम उस पत्थर पे आगे जा रहे हैं, तो वो मज़ा जो है। या फिर हमारे पैरों के नीचे से रेत निकल जाती है हम जब जो नदी के अंदर खड़े रहते, तो वो जो आनंद है वो लेने में लेखक को मज़ा आता है। वो कल्पना, उसकी कल्पना में वो डूबे जाते हैं, डुबकी लगाते। जो पास लगते हैं उन वृक्षों के निरंतर पीछे छूटते चले जाने, और दूर है उन भागते वृक्षों का साथ निभाने में बड़ा आनंद है। वो कहते हैं कि जो मेरे साथ में है, आप कभी बस से या रेल से सफर किया होगा आपने तो देखिए, जब आप खिड़की से बाहर देखते हो तो सड़क के किनारे या फिर पटरी के किनारे जो भी पेड़ वृक्ष हमें दिखाई देते हैं, वो ऐसा लगता है मानो वो तेजी से पीछे दौड़े जा रहे हैं और हम आगे जाते हैं। हालांकि हम आगे जा रहते हैं, रेल आगे जाती रहती है, लेकिन हमें रेल तो जगह पे दिखती है, वो पेड़ ही पीछे जाते हुए दिखाई देते हैं। तो वो आनंद और जो दूर के वृक्ष है उनका भागते हुए साथ देने का जो मजा है, वो भला बड़ा ही अलग रहता, निराला रहता है। यात्रा में अगर कोई साथी मिल जाए तो ऐसा लगता है मानो वह मेरी निगाह चुरा रहा है। निगाह, निगाह मतलब क्या होता है? दृष्टि। तो यात्रा में अगर कोई साथी मिल जाए, साथी हम सफर साथ में सफर करने वाला अगर कोई मिल जाए, तो ऐसा लगता है कि वो मेरी निगाह चुरा रहा है, मेरी दृष्टि चुरा रहा है। वो बार बार मुझ पर नजर रख रहा है कि मैं क्या देखता हूँ, कैसे, किधर देखता हूँ, किसकी ओर देखता हूँ, इस पर मानो वो घात लगाए बैठा है, मेरी नजर चुरा है। मैं दूसरी तरफ मेरे मन से अपना आचरण रखने बताऊं, मैं किसी की ओर एकटक निहारता हूँ, किसकी ओर एकटक निहारता हूँ, एकटक बिना पलक गिराए, बिना पलक गिराए मैं किसकी ओर देखता हूँ, किसे देखकर नाक भौं सिकोड़ता हूँ, नाक भौं सिकोड़ना मुहावरा है, किसे देखकर नाक भौं सिकोड़ता हूँ मतलब किसे देखकर मैं अप्रसन्नता व्यक्त करता हूँ, किसे देखकर मुझे अप्रसन्नता व्यक्त करता हूँ, भाई मैं कि नाराज होता हूँ या उसे देखता नहीं हूँ, और कौन मेरे एकांत क्षणों का अंतरंग, एकांत अलोन,
तो एकांत क्षणों का, एकांत पल, क्षण मतलब क्या, पल, एकांत क्षणों का अंतरंग, अंतरंग मतलब हम यहां पर लेंगे उसका अर्थ घनिष्ठ, क्या लेंगे हम, घनिष्ठ, अंतरंग साथी है, घनिष्ठ साथी कौन है मेरे एकांत क्षणों का, इन सब बातों पर कोई निगाह रखे, इन पर कोई नजर रखे, दृष्टि रखे, यह मुझे कतई पसंद नहीं, कतई मतलब कभी भी, बिल्कुल भी पसंद नहीं है मुझे कि मेरे आजादी पर कोई पाबंदी लगाए, मुझ पर निगरानी रखे, ये मुझे पसंद नहीं है, ऐसा लेखक यहां पर कहते हैं। आगे लेखक कहते, देखिए क्या कहते हैं, कभी कभी जब रेल की खिड़की से बाहर झांककर दूर के दृश्य, किसी प्राकृतिक मनोरम दृश्य को देखना चाहता हूं, कभी कभी क्या होता है कि मैं खिड़की के बाहर झांककर दूर के किसी प्राकृतिक मनोरम दृश्य, मनोरम मतलब क्या, मनो मन को मोह लेने वाले आकर्षक दृश्य को मैं देखना चाहता हूं, जैसे सूर्योदय, सूर्यास्त, तभी मेरी दृष्टि उचट कर किसी वृक्ष की डाली पर पांव टिकाए बच्चों को देखने में जा उलझती है। ये सब मैं देखना चाहता हूँ, सूर्यास्त देखना चाहता हूँ, सूर्योदय देखना चाहता हूँ, लेकिन बीच में ही मेरी जो दृष्टि है, मेरी जो नजर है, मेरी जो निगाह है, वो वहां से उचट कर, उचट कर मतलब क्या, अलग होकर, उचट कर किसी वृक्ष की डाली पर पांव टिकाए, वृक्ष पर कोई पांव टिकाए बच्चों को देखने में उलझ जाती, उलझ जाती है मतलब क्या होती है, फंस जाती है, तब कमरे के हिल जाने की तरह सारा दृश्य गायब हो जाता, तब जैसे एक आध बार कमरा हिल जाता है या भूकंप आ जाता है और एकदम अस्पष्टता, धुंधलापन आ जाता है, या फिर कांच पर धूल अगर जमा हो गई तो अपना चित्र जैसे कांच में दिखाई देता नहीं है, उसे साफ करना पड़ता है, तो वैसे ही पूरा कमरा जो है वो हिल जाने के कारण सारा दृश्य क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, और मैं सोचता ही रह जाता हूं कि आखिर मैं देख क्या रहा था, और मैं ही भूल जाता हूं फिर कि मैं देख क्या रहा था, उस बच्चे को देख रहा था या उस सूर्यास्त को देख रहा था या सूर्य सूर्योदय को देख रहा था, इसके बारे में मैं ही भूल जाता हूं। और फिर आगे देख लेखक कहते, देखिए कभी कभी मेरी दृष्टि नदी किनारे के सौंदर्य को निहारना चाहती, कभी कभी ऐसा लगता है कि जो सफर करते समय पटरी के बाजू में जो नदी बह रही है, उस नदी के किनारे की जो सुंदरता है, जो उस नदी का सौंदर्य है, वहाँ का पर्यावरण जो है, वहाँ की जो प्राकृतिक संपदा है, उसे निहारना चाहता हूँ, उसकी सुंदरता और उसको, उसके सौंदर्य को निहारना चाहता, निहारना मतलब क्या करना, गौर से देखना, ताकना, उसे त्याकना चाहता हूँ। इसी बीच जैसे आँख में कंकरी गिर जाए, तो कभी कभार हम कुछ देखते हैं और बीच में ही कंकरी मतलब पत्थर का छोटा टुकड़ा जैसे आँख में चले जाता है और हम देख पाते नहीं है, आँख बंद हो जाती है, अपनी दर्द करने लगती है, तो उसी तरह ऐसे रास्ते में पहाड़ी के आ जाने से सारा दृश्य चौपट हो जाता है, जैसे कोई अदृश्य, या हम सफर पर चलते रहते हो और गाड़ी पर जा रहे हैं और चलते चलते एकदम से धूल या पत्थर का छोटा सा कंकर जो है, छोटा टुकड़ा हमारे आंखों में चले जाता है और हमें कुछ दिखाई देता नहीं, हमें क्षण भर के लिए कुछ दिखाई देता नहीं, हम गाड़ी रोकनी पड़ती है और पहले आंख साफ करनी पड़ती है। तो उसी तरह जब ये नदी का दृश्य देख रहे, नदी किनारे का दृश्य देखना चाहते हैं, तो बीच में क्या आ जाती है, पहाड़ी आ जाती है, और पहाड़ी के कारण सामने का जो दृश्य है, नजारा है, वो इन्हें दिखाई देता नहीं, तो उस पहाड़ी को किसका उदार, किसका ये दिया उन्होंने, पहाड़ी को उन्होंने क्या कहा है, कंकर, या ऐसे उदाहरण उन्होंने दिया है, पहाड़ी कंकर का उदाहरण देकर उन्होंने समझाया कि बीच में पहाड़ी आने के कारण मुझे सामने का दृश्य दिखाई देता नहीं है, पूरा नजारा जो वो क्या हो गया, चौपट हो गया, चौपट होना मतलब क्या होना, नष्ट होना, चौपट होना, नष्ट हो जाना। कभी कभी मेरा मन उच्चाकाश में उड़ने वाले पक्षियों के साथ अनंत के ओर छोर नापता नापना चाहता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरा जो मन है, अब मन तो कैसा है, मन की कविता बना हुआ चोरी ने बहुत अच्छे से बनाई है, मन के बारे में आपको पता है क्या बात है, मन की बहनाबाई चौधरी की मराठी कविता सुनिए, मनो वढ़ाय वढ़ाय उभ्या पिका तल ढोर, किती हाकला हाकला फिर येते पिकावर, मन जो है वो बड़ा चंचल है, पल भर में आप मेरे सामने बैठे हो और सामने बैठे बैठे आप मन से कहीं और पूरा घर का चक्कर लगा के आते हो, माँ ने क्या बनाया होगा, भैया क्या कर रहा होगा, पापा दफ्तर गए होंगे, सभी के बारे में सोचकर वहां जाकर आ जाते हो, तो ये है मन। तो
तो ऐसा ही मन जो है, कभी कभार लेखक का मन भी उच्चाकाश में, गगन, आकाश मतलब गगन, आसमान उच्च मतलब ऊंचा हुआ, तो वो दो शब्दों का मेल यहाँ पर हुआ है, उच्च प्लस आकाश हो गया वो उच्चा आकाश में उड़ने वाले पक्षियों के साथ। पक्षी जो है, पक्षी के लिए शब्द बहुत सारे आते हैं, पर्यायवाची, जैसे पक्षी मतलब विहंग, खग, पंछी, तो इनके साथ अनंत के ओर छोर मतलब क्या, उनकी सीमाएं, उन सीमाओं को वो क्या करना चाहता है, नापना चाहता है, देखना चाहता है कि कितना बड़ा, कितना अनंत, अनंत मतलब पता है आपको, जिसका अंत ना होता है उसे अनंत कहते हैं, तो अनंत के ओर छोर को, सीमाओं को वो देखना चाहता है, उनको नापना चाहता है, उनकी गिनती करना चाहता है। इसी बीच रेल किसी गुफा में प्रवेश कर जाती है, और ऐसा मन चाहता है और ये सब देखते हुए, देखना चाहता हूँ, और उसी बीच किसी गुफा में, सुरंग में, गुफा मतलब बोलेंगे हम सुरंग, या उसको गुफा का पर्यायवाची शब्द कंदरा, क्या होता है, कंदरा में वो प्रवेश कर जाती है, और तब लाचार मन को भी मन मारकर सुरंग की उस पतली लकीर में से ही निकलने को बाध्य होना पड़ता है, फिर मन भी लाचार हो जाता है, बेबस। लाचार मतलब क्या, बेबस, बेबस होकर उस पतली लकीर में से ही उसे निकलने में क्या होना, बाध्य हो जाता है, वो बन जाता है, मजबूर हो जाता है। वैसे मुझे बस की यात्रा कतई पसंद नहीं है, मुझे बस से यात्रा करना, लेखक कहते हैं कि कतई मतलब कभी भी पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे, मैं बस की यात्रा करता ही नहीं हूँ। उसमें यह भी जरूरी नहीं कि बगल में बैठने वाला आदमी हमारा मन पसंद ही हो, और मुझे ऐसा भी नहीं लगता कि भाई मेरा जो हम सफ़र है, साथ में सफ़र करने वाला जो है वो अच्छा आदमी हो, ऐसे कोई मनपसंद हो, भाई मन को भाने वाला हो, ऐसी कोई तमन्ना नहीं है। अनेक बार तो ऐसे व्यक्ति से पाला पड़ जाता है, पाला पड़ जाना मतलब संबंध आना, ऐसे व्यक्तियों से पाला पड़ जाता है, ऐसे व्यक्तियों से संबंध आ जाता है कि जो कभी कभार उसकी उपमा जो दिए, देखो पत्नी की तरह उपमा दी उसे, पत्नी कैसी रहती है तो उसकी तरह उपमा उस व्यक्ति को दिए, देखो जो रूठी हुई पत्नी की तरह लाख मनाने पर भी सीधे मुंह बात नहीं करता, कभी कभार जब रूठी हुई पत्नी रहती है कितना भी मना लो उसे तो मानने को तैयार रहती नहीं, तो वैसे ही यह साथी मिल जाता है, उसे कितनी बात करो लेकिन वो बोलता नहीं है, कुछ बोलने की कोशिश करो तो हूं हाँ कर कर खिड़की के बाहर देखने लग जाता है। अगर उससे प्रश्नों के जरिए छेड़खानी की जाए तो हाँ हूं मैं जवाब देकर खिड़की से बाहर मुंह लटका लेता है। कभी कभी ऐसा भी साथी मिल जाता है कि आप चाहे सुने या न सुने, कभी कभी इतना बातों नहीं मिल जाता है, इतना बात करने वाला मिल जाता है कि आपको सुनना हो या ना सुनना हो, लेकिन वो अपनी बात बंद करता नहीं। कब तक बंद नहीं करता, जब तक के दोनों में से एक उतर जाता नहीं। वो अपनी बात तब तक सुनाता रहेगा जब तक दो में से एक उतर ना जाए। अपने अपने अनुभव बताए उन्होंने कि किस तरह के अनुभव थे, बाद में आगे देखिए। लेखक कहते हैं कि मुझे सुपरफास्ट ट्रेन के बजाय एक्सप्रेस से यात्रा करना पसंद है, सुपरफास्ट ट्रेन जो रहती है उससे अच्छा मुझे एक्सप्रेस से अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि सुपर फास्ट जो रहती है उसको अपने तेज, अपनी गति पर नाज रहता है, घमंड भरी रहती है, मामूली लोगों की तरफ वो देखती नहीं है, बड़े लोगों की तरफ देखती है, बड़े बड़े शहरों में जाकर रुकती है, छोटे मोटे शहर जो रहते छोटे रहते उनको छोड़ देती है, उनसे दूर भागती रहती है। लेकिन एक्सप्रेस का वैसे नहीं है, छोटा स्टेशन हो या छोटा ये हो गाँव हो, वो दूर से ही स्टेशन को देख कर अपनी गति को धीमी कर लेती है, मतलब उसमें अपनापन रहता है, हर किसी को साथ लेकर वो चलती रहती है। इसलिए लेखक को सुपरफास्ट के अलावा, उसके सिवा दूसरी कौन सी सुपरफास्ट की जगह पे कौन सी अच्छी लगती है, एक्सप्रेस से सफर करना अच्छा लगता है। कारण सुपरफास्ट ट्रेन का स्वभाव उस विशिष्ट व्यक्ति की तरह होता है जो रास्ते में मिलने वाले बराबरी वालों की उपेक्षा कर, उपेक्षा करना मतलब अपमान करना, अपमानित करना, उसको नजरअंदाज करना, नजरअंदाज कर उपेक्षा कर बड़ों से मिलने दौड़ जाता है, उसी आदमी से अधिक अपनी चाल पर नाज होता है, उसे आदमी पर नाज नहीं होता, तो अपनी चाल पर, अपनी गति पर उसे नाज होता है। नाज होना मतलब क्या होना, नाज मतलब गर्व, नाज मतलब क्या होता है, गर्व। अपनी चाल पर उसे क्या होता है, गर्व होता है। जबकि एक्सप्रेस एक दोस्त की तरह दूर से स्टेशन देखकर अपनी चाल धीमी करती थी, लेकिन एक्सप्रेस के बारे में आपको बताया कि वो एक दोस्त जिस तरह अपने दूर से आते हुए दोस्त को देखकर उसे मिलने के लिए उत्सुक हो जाता है, तड़प उठता है और झट से उसके लिए
अपनी गति कम करता है या उसे मिलने के लिए झट से दौड़ जाता है, तो वैसे ही ये दूर से अपनी गति धीमी कर देती है। एक्सप्रेस सबको अपने हृदय में स्थान देती है, सबको साथ लेती है, सबको जगह देती है हृदय में, और जब चलती है तो इस कदर धीरे से जैसे कोई मित्र दूसरे से विदा ले रहा हो। देखिए आप, जब ब्याह हो जाता है अपनी कन्या अपनी बहन, जब ब्याह कर किसी दूल्हे के घर जाना होता है उसे, तो एकदम से एक सुपर एक्सप्रेस की तरह चल जाती है क्या? नहीं, तो वो धीरे से अपने आंसू बहाते हुए 10 बार पीछे पलट कर देखते हुए आगे जाती रहती है। क्यों? क्योंकि एक अपनापन उसमें रहता है, एक लगाव उसमें रहता है। तो एक्सप्रेस का भी वैसे ही है, वो एक्सप्रेस गाड़ी जो है वो छोटे मोटे स्टेशन को जब वहाँ से निकलती है तो धीरे से निकलती है, और वैसा उसमें उसमें दर्द उसे महसूस होता है, इसलिए वो धीरे धीरे आगे निकलती है जैसे वो विदा ले रही हो, विदा ले रहा हो। अपने को तो भाई साहब रेल की खिड़की से दुनिया देखने में बड़ा मजा आता है। मुझे कोई दूसरा मजा आनंद नहीं है, तो मुझे सिर्फ एक ही मजा आता है, रेल के खिड़की से बाहर देखना बड़ा मजा आता है। ऐसे लगता है जैसे शीशे में से डिब्बे वाला बायोस्कोप देख रहे हो। जब पहले जमाने में, पुराने जमाने में बायोस्कोप लगे रहते थे, एक टिन का डिब्बा रहता था, उसमें सामने एक ऐसा कांच का गोल शीशा लगा रहता था, अंदर एक फिल्म लगाई रहती थी, फिर घुमाते थे, और वो जो साइकिल वाला रहता था वो उस फिल्म को ऐसे घुमाता था, और हमें उस छोटे से छेद में से देखना होता था, और उसमें हमें पूरी फिल्म दिखती थी। तो वो बायोस्कोप मतलब क्या दिया, देखो तस्वीर दिखाने का एक यंत्र, तो उस बायोस्कोप में से फिल्म देखना हो, जिस वो देखने में जैसा मजा आता था वैसे ही मजा रेलगाड़ी में सफर करते समय खिड़की से बाहर झांकने आता है, ऐसे लेखक यहाँ पर कहते हैं। लेकिन कोई देखे देखने दे तो, लेकिन लेखक कहते हैं मैं देखना तो चाहता हूं लेकिन कोई मुझे ये देखने दे तो। क्यों? जैसे ही आपने पांव रखा कि अपने सीट पर बैठने की सामने बैठे की सामने की सीट पर बैठा यात्री, जैसे आप रेल में पांव रखते हो और अपने सीट पर बैठे हो, तो वैसे ही सामने की सीट पर बैठा हुआ व्यक्ति कहता है कि भाई साहब क्या मैं ये आपका अखबार ले सकता हूँ, क्योंकि अखबार हमारे झोली में रहता है और अखबार पूरा झोली में अंदर बैठता नहीं है, देखते रहता है। तो वैसे वो अखबार बाहर झांकते रहता है, और उस झांकते हुए अखबार को देखकर सामने वाला व्यक्ति कह लेता है कि भाई साहब क्या मैं ये अखबार पढ़ सकता हूँ, या आप मुझे ये अखबार पढ़ने के लिए देंगे? आप हाँ या ना कहे इसके पहले ही वो आपका अखबार उसके हाथ में चला जाता है, मतलब वो आप अनुमति देते हो या नहीं देते हो उसकी प्रतीक्षा करता नहीं, अखबार ले लेता है। क्या मैं इसे ले सकता हूं? भले आपने उसे अभी अभी खरीदा हो और उसे खोलकर पढ़ना तो दूर, पन्ने पलटकर भी नहीं देखो, अभी आपने नया लिया है उसे पढ़ा भी नहीं है, फिर भी आपके उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना अखबार सामने वाले के हाथों में होगा। अब आपकी स्थिति मांगने वालों की हो जाएंगे आप। जैसे वो अखबार उसी का खुद का है, उसने पैसे देकर खरीद कर लाया, और आप उसकी तरफ याचक की तरह देखते बैठे हो कि इसका अखबार पढ़ना होने के बाद वो मुझे वापस कब देगा। आप उत्सुकता से राह देखेंगे कि समाचार पत्र अब लौटे कि तब, अभी लौट कराएगा बाद में लौट कराएगा। तभी वे सज्जन उसके पड़ोस में आने कर बैठने वाले हम सफर को कहता है आप पढ़ना चाहोगे, और उसमें से एक जो पृष्ठ रहता है वो निकाल कर उसे देता है। एक पूरे वर्तमान पत्र के अलग अलग पृष्ठ बन जाते हैं और हर तरफ वो पूरी रेलगाड़ी में घूमते रहते हैं वो, और हमें पढ़ने मिलता नहीं। तभी वे सज्जन जमाई लेकर उसे बेतरतीबी मतलब क्या यहाँ पर दिया है, देखिए अव्यवस्थित ढंग से बेतरतीबी से मोड़ते हुए किसी दूसरे मांगने वाले की ओर इस तरह शांत से बढ़ा देंगे मानो समाचार पत्र आपका नहीं है उसका खुद का है, उनकी निजी संपत्ति, निजी मतलब खुद की स्वयं की संपत्ति है। देखते देखते समाचार पत्र के पन्ने एक दूसरे से जुदा होकर बिछड़कर पूरे डिब्बे के चक्कर काटने लगेंगे। मजे की बात यह है कि एक समाचार पत्र के कितने उपयोग हो सकते हैं इसका अंदाजा रेल की यात्रा करते समय ही लगाया जा सकता है। अंदाज देखिए, आपको खाना खाना है, टिफिन की में से रोटी निकाली, समाचार पत्र का पृष्ठ लिया एक, उस पर रखी, भोजन किया, खाना हो गया फेंक दिया,
कभी कभी छोटा बच्चा कुछ गंदगी कर देता है, वही वर्तमान पत्र काम में आ जाता है, फेंक दिया। अलग अलग तरह के उपयोग इसमें होते हैं। देखिए, तो मैंने अपने अनुभव से बताया आपको, यहाँ पर भी बहुत सारे दिए। देखिए, इसका अंदाज रेल यात्रा करते समय आ सकता है। कोई ललित निबंध के तो कोई संपादकीय पन्ने से अपने सीट झाड़ता है, पहले सीट साफ करने के लिए अपने वर्तमान पत्र का उपयोग किया जाता है। कोई समाचार पत्र फैलाकर उस पर भोजन करता है, अभी बताया मैंने आपको। बेचारे समाचार पत्र ने भी कभी सोचा नहीं होगा कि उसके पत्र के इतने उपयोग हो सकते हैं, उसने भी सोचा नहीं होगा कि इतने उपयोग उसके हो सकते हैं। इन सब से परेशान होकर जब आप पीछे की ओर सिर टिकाकर कुछ क्षण आराम करना चाहोगे, अब ये सब आपने देखा, आप परेशान हो गए, त्रस्त हो गए, आपको आराम करने की इच्छा होगी और आपने सोचा कि चलो भी अब पीछे थोड़ा सिर टिका देंगे और थोड़ा आराम फरमाएंगे, इसी बीच सामने से प्रश्न उछलेगा, एकदम से प्रश्न आ जाता है, कहाँ तक तो चल रहे हो आप, कहाँ जाना है भाई आपको? आप अनमने मन से कहेंगे भोपाल तक, आप कहते हो अनमने मन से, इच्छा नहीं होती जवाब देने की, फिर भी कह देते हो यार भोपाल जाना है, भोपाल तक। तो वो फिर से प्रश्न उछाल देगा, भोपाल गाड़ी कितने बजे तक पहुँचती है, अभी भोपाल तक कब पहुँचेगी ये? जैसे कोई आप स्टेशन मास्टर हो, आपको पता है कि गाड़ी कब कहाँ कितने बजे छूटेंगी, कितने बजे पहुँचेंगी, फिर भी अब हमें पता नहीं है, तो उसको पता नहीं तो हमें कहाँ से पता रहेगा, फिर भी वो पूछ लेता है कि भोपाल कब तक पहुँचेंगे। आप कहेंगे 3:15 बजे, तो उनका तर्क होगा पहले तो 4 बजे पहुँचती थी, वो क्या कहते फिर, पहले तो 4 बजे पहुँचती थी, अब 3:15 बजे पहुँचती है, मतलब फास्ट चलती है क्या गाड़ी, टाइम बदल गया लगता। ऐसे उनके सवाल पर सवाल रहते। बोलो, बोले गाड़ी में तो कई जगह चेन पुलिंग होती होंगी, चेन पुलिंग होना पटरी बदल देना, साफ सफाई की जाती है, आज की तारीख में पहुंच जाए यही गनीमत है, गनीमत राहत की बात, गनीमत मतलब क्या बताया मैंने आपको, राहत की बात, संतोष की बात है अगर वो आज की तारीख में पहुंच जाए। आप सोचेंगे चर्चा का अंत हो, आपको लगेगा चलो भाई एक बार का पीछा छूट गया, इसके सवाल बंद हो गए, तभी तीर के तरह प्रश्न उछल आएगा, दूसरा प्रश्न आ जाएगा, आप हबीबगंज उतरेंगे या भोपाल, कहाँ उतरेंगे फिर भोपाल में, आप हबीबगंज में उतरेंगे या भोपाल में उतरेंगे, आप कहेंगे हबीबगंज, तो पूछा हबीबगंज क्यों, आपको वहां क्यों पूछना जाना है, कहाँ, वहां से तुलसी नगर पास पड़ता है, वहां से क्या पड़ता है, पास तुलसी नगर पास पड़ता है, तो वो चिढ़कर कहेंगे खाक पास पड़ता है, ऐटो वाले 5-7 रुपए ऐट लेंगे, ऐट लेना मतलब क्या करना, झांसा देना, झांस कर या धोखे से ले लेना, आपको हमें तो हम नहीं रहते, हमें रास्ता पता नहीं रहता, फिर नज़दीक की दूरी कम होने के बावजूद भी वो क्या करते, दूर से घुमा कर देते और हमें इससे पैसे ज़्यादा के ले लेते, झांसा देते हैं, हमें धोखा देते हैं, तो धोखा देकर जो पैसे ले जाते हैं उन्हें ऐट लेना कहते हैं, ऐट लेंगे भाई, इससे तो अच्छा है आप भोपाल स्टेशन उतरते, आप भोपाल स्टेशन उतर जाओ, वहां से 4 कदम चलने पर टेम्पो मिल जाता है, 4 कदम आप चलेंगे वहां से तो आपको टेम्पो मिल जाएगा, एक गाड़ी मिल जाएगी जो 50 पैसे में टीटी नगर और फिर 50 पैसे में तुलसी नगर, तो क्या अरोरा कॉलोनी में उतार देगा, अरोरा कॉलोनी अगर वहां पर भी जाना है आपको तो वहां पर भी उतार देगा। लेखक के मन में प्रश्न उपस्थित हुआ कि कहीं ये तुलसी नगर से अरोरा कॉलोनी और अरोरा कॉलोनी से फिर से हबीबगंज ना पहुंचा दे, सोचा कहीं यह पुनः हबीबगंज स्टेशन ले जाकर वहां से वापस ट्रेन में न बैठा दे, अतएव वह चुप्पी साध कर निश्चल बैठ गया, वो शांत बैठ गए। अगर आप यात्रा पर है तो आपको सहयात्री के प्रश्नों का जवाब देना ही होगा, एक अलिखित नियम है ये, अगर आप यात्रा कर रहे हो, सफर कर रहे हो, तो हम सफर ने पूछे हुए प्रश्नों का जवाब देना आपका कर्तव्य है, देना ही होगा। पूछा भोपाल में क्या करते हैं, अब वापस से उनके प्रश्न शुरू हो गए, भोपाल में क्या करते हो, लेखक ने कहा मीटिंग में जा रहा हूं, वे कहना शुरू कर देते हैं अपन तो वल्लभ भवन के अकाउंट सेक्शन में है, वो कहना उनको पूछो या ना पूछो, वो कहने के मैं जो हूँ वो वल्लभ नगर के अकाउंट सेक्शन में हूँ भाई, पैसों के कारोबार में हूँ, लोगों के बिल बनाते बनाते अपना भी वेतन निकल जाता है, लोगों के बिल बनाता रहता हूँ उस साथ में अपना भी वेतन जो है, अपनी भी तनख्वाह जो है वो निकल जाती है,
रहने को ठाट से सरकारी क्वार्टर मिला है, और रहने के लिए तो बिल्कुल सरकारी क्वार्टर मिला है ठाट से, बिल्कुल शांत के साथ। बीवी और दो बच्चे हैं, एक बीवी है और दो बच्चे, इतना वो अपने आप ही बताने लग जाते हैं। आज के दिन यही हम रुक जाते हैं, अगला अगले पीरियड में देखेंगे।